जीडा एरिया यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया यूपी का एक ऐसा इलाका है जहां बेशुमार इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यहां इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि आपको याद रखना मुश्किल हो जाता है। अब यहां एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बनाई जाएगी। इससे पहले यहां जेवर एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टॉय पार्क और लेदर पार्क की एंट्री तो हो ही चुकी है। अब दिल्ली के नज़दीक जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में इलेक्ट्रॉनिक पार्क भी बनाया जाएगा। ये पार्क लगभग 250 एकड़ में स्थापित होगा। इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। इस पार्क की वजह से मोबाइल, टीवी और कई अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली देशी और विदेशी कंपनियां गौतम बुद्ध नगर में इन्वेस्टमेंट करेंगी। जीडा के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण के इलाके में मोबाइल से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए खास तौर पर यह इलेक्ट्रॉनिक पार्क डेवलप किया जाएगा। CEO ने बताया कि इसके लिए जीडा के सेक्टर 14 और सेक्टर 10 में जमीन चुन ली गई है। CEO ने यह भी बताया कि इस पार्क के बनने से अथॉरिटी एरिया में न केवल निवेश आएगा बल्कि यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहां होने वाले निवेश से हजारों लोकल लोगों को बड़ी संख्या में नौकरियां मिलेंगी। इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी में होने वाले निवेश से गौतम बुद्ध नगर का नाम तो होगा ही, साथ ही साथ जीडा का नाम और महत्व भी बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीडा एरिया में कई योजनाओं के लिए अब तक लगभग 17,272 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिल चुके हैं। दरअसल जीडा को सबसे ज्यादा फायदा जेवर एयरपोर्ट की वजह से हुआ है। इस एयरपोर्ट की वजह से देश और विदेश के बड़े बड़े निवेशक एयरपोर्ट के नज़दीक ही अपनी कंपनियां लगाने की कोशिश में लगे हैं। जेवर एयरपोर्ट के बनने के फैसले के बाद से अब तक 1942 निवेशकों को यूनिट लगाने के लिए यहां जमीन दी गई है और ये निवेशक 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कर अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। इन कंपनियों के आने से लगभग 265,700 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। जीडा के अफसरों के मुताबिक सेक्टर 28 में 350 एकड़ जमीन पर 5,250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क में 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। फिल्म सिटी में 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा टॉय पार्क और लेदर पार्क में भी 10,000 लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक पार्क भी हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराएगा।